नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्त हम बात करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्वराज के ऊपर क्या विचार थे, एंड दोस्त वो एक आइडियल सोसाइटी बनाना चाहते थे जिस प्रकार से आदर्श समाज की स्थापना आइडियल सोसाइटी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी दोस्तों बनाने की कल्पना की गई थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम विस्तार से समझेंगे स्वराज के ऊपर और आदर्श समाज के ऊपर यानी कि आइडियल सोसाइटी के ऊपर गांधी जी के थॉट्स क्या थे। इससे पहले दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आइडियल सोसाइटी पे जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार है इसको जो जरूर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, इस वीडियो को भी आप देख लेना। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आदर्श समाज जैसा हम चाहते हैं वैसा समाज होना चाहिए। जब हम एक कल्पना करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे समाज में ऐसी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसी को कहते हैं दोस्त आइडियल सोसाइटी। ऐसा कार्ल मार्क्स भी चाहता था, ऐसा प्लेटो भी चाहता था, एरिस्टोटल भी चाहता था, जितने भी दोस्तों फिलोसफर रहे हैं वो सब चाहते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विवेकानंद जी भी एक फिलोसफर थे, जिस तरीके से उन्होंने आइडियल सोसाइटी की कल्पना की है उसी तरीके से एक गांधी जी भी दोस्तों फिलोसफर भी हैं जिन्होंने आइडियल सोसाइटी यानी कि एक आदर्श समाज की दोस्तों इन्होंने कल्पना की थी। तो एक ये एक फिलोसफर थे। तो इस तरह के दो स्वराज के ऊपर और आदर्श समाज के ऊपर गांधी जी के विचार हम आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं। इससे पहले एक कोटेशन के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित है, प्राणी है यानी कि एक व्यक्ति है दोस्त, उसमें पूरे विचार भरे हुए हैं, है ना, उसके थॉट्स भरे हुए हैं उसके माइंड के अंदर, और जब वो जो भी सोचता है वो वही बन जाता है। तो इस तरीके से हमें हमेशा पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी जी के एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। हम पहले फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं एंड थोड़ा हम बायोग्राफी जानते हैं गांधी जी के बारे में। बाकी दोस्त बायोग्राफी जुड़ तो है नहीं गांधी जी के बारे में। एक आज़ादी के महान नायक, अफ्रीका में दोस्तों उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपना परचम जमाने के बाद भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए दोस्त इन्होंने अपना जो मुहिम छेड़ा राष्ट्रीय आंदोलन के बाद ये राष्ट्रपिता और भारत के महानायक बन बैठे। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है, जिनका पूरा नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात के दोस्तों पोरबंदर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। गुजरात में दोस्त कल्चर है कि पिता के नाम बेटे के नाम के बीच में दोस्तों जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इनकी जो पत्नी थी वो थी कस्तूरबा गांधी। अब जो मेन हमारा कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ स्वराज का, यानी कि स्वराज की अवधारणा का। देखिए दोस्त, यहाँ पे पहले हम ये समझ जाते हैं कि कंसेप्ट है जो स्वराज का वो सिर्फ आज़ादी का मतलब नहीं है कि स्वराज का मतलब सिर्फ आज़ादी होता है। तो स्वराज का मतलब दोस्त सिर्फ आज़ादी से नहीं था, इसका मतलब था स्वय शासन से यानी कि सेल्फ रूल से। जब एक इंसान, जब पूरी कम्युनिटी, जब सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि वो अपना शासन खुद चलाएगी तो समझ लो वहाँ पे स्वराज है। तो स्वराज का मतलब यहाँ पे सेल्फ शासन से यानी कि सेल्फ रूल से है, सेल्फ कंट्रोल से है। एक इंसान का अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल होना चाहिए, कोई बाहरी देश या कोई फॉरेनर आके उस पर कंट्रोल ना करे जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत पे किया था। दोस्त यहाँ पे कहना था कि एक इंसान जब तक अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता, जब तक स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकता, जब तक वो अपनी इच्छाओं और लालचीपन जो उसके अंदर है दोस्त उसके ऊपर वो विजय प्राप्त ना कर ले। यानी कि एक इंसान को अपनी इच्छाओं को मारना होगा और जो लालचपन है, जो लालसाएँ हैं कि मुझे ये भी पाना है, मुझे ये भी करना है, इन सबको उसको ख़त्म करना होगा। यही दोस्त स्वराज की सच्ची अवधारणा होगी यानी कि स्वराज का कंसेप्ट होगा। एंड इन्होंने बोला कि शुद्धता के मन से हमें काम करना है। शुद्धता का मन से मतलब दोस्त यहाँ पे क्या है कि एक इंसान को सच्चे मन से हो मंग टूट कर, यानी कह सकते हो कि कोई बिना दोस्तों गलत काम किए हुए, मन सच्चा होना चाहिए, वचन जो देंगे उस पर हमें डिटरमाइन यानी कि उस पर कंसिडर हमें करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि स्वराज की प्राप्ति जब होगी जब हम अपने आत्मनिर्णय, हम अपनी जो निर्णय है वो आत्म, हम अपने अंदर की आवाज़ के द्वारा हम निर्णय ले सके, डिसीजन ले सके, हम किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन ना ले। इसी को दोस्तों उन्होंने स्वाधीनता कहा था। तो जब भारत गुलाम हुआ करता है दोस्त, तो गांधी जी ने आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग करी थी। इसी कंसेप्ट के साथ तभी हम स्वराज की प्राप्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो स्वराज का दोस्तों अर्थ बताते हैं यहाँ पे गांधी जी ये कहते हैं कि स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेना नहीं होता, यानी कि पॉलिटिकली अगर हम आज़ाद हो गए, हम देश का कानून बना पा रहे हैं, अंग्रेज चले गए भारत से, तो इसका मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब है हम अपनी कल्चर और नैतिकता यानी जो मोरल है, यानी कल्चरल और मोरल रूप से हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हम अपनी संस्कृति, हम अपने कल्चर्स को अपना कर उसको प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी मोरलिटी को अपना सकते हैं। इसी तरीके दोस्त उन्होंने कहा कि स्वराज का मतलब होगा सांस्कृतिक और नैतिकता की भी स्वाधीनता, यानी कि हम मोरल और कल्चरल रूप से भी इंडिपेंडेंट हो, और हमारे देश के जो निर्धन है,
यानी कि स्वराज मतलब निर्धन का स्वराज, गरीबों का स्वराज है ना, यानी जो दिन दुखिए हैं, जो दिन दुखिए हैं यानी जो बैकवर्ड लोग हैं समाज के, उनका भी कल्याण हो सके, तभी हम कहेंगे कि भारत के अंदर सच्ची स्वराज आ रखी है दोस्त। इसलिए गांधी जी ने एक निर्धन के स्वराज के लिए दोस्त, यानी कि आत्मसंयम के लिए, और ग्राम राज्य यानी कि ग्राम पंचायत यानी कि दोस्त इन्होंने विकेंद्रीकरण का सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर होगी तो एक गाँव के लोग अपना शासन खुद कर पाएंगे और वो अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं तो फाइनल दोस्त उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि गांव का विकास नहीं हुआ तो हमारे भारत देश का विकास नहीं होगा, गांव नष्ट होते हैं दोस्त भारत नष्ट हो जाएगा, गांधी जी ये कहा करते थे। सच्चे और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे, उनका ये कहना था कि लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है, डेमोक्रेसी तभी इस्टेब्लिशमेंट होगा जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जनता खुद शासन करेगी, खुद ही दोस्त आपस में मिलकर लोग शासन करेंगे, कोई स्टेट नहीं होगा दोस्त। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसेप्ट गांधी जी का, ये स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पे कोई राज्य नहीं होगा, ये चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये दोस्त गांव के विकास करने के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था के सपोर्टर थे। इन्होंने कंसेप्ट दिया था सर्वोदय का। सर्वोदय का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्वोदय सभी का उदय, सभी का कल्याण या ना, यानी कि जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं सभी का वेलफेयर होना ही सर्वोदय है, यानी कि सभी का कल्याण होना। दोस्त यहाँ पे इन्होंने कल्पना की है आदर्श राज्य की, यानी कि आदर्श समाज की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्वामी विवेकानंद जी की तरह दोस्त इनका भी एक कंसेप्ट था आदर्श राज्य की। आखिर हम ये जानेंगे अभी कि विवेकानंद जी ने जो अपने समाज की कल्पना की है, आखिर गांधी जी की क्या कल्पना है अपने राज्य को लेकर, अपने समाज को लेकर, आखिर वो कैसा एक आइडियल सोसाइटी बनाना चाहते थे। यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता दूँ, गांधी जी का जो आइडियल सोसाइटी था, गांधी जी ने कहा था कि एक आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श राज्य वही होगा जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होगा, जहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गांधी जी ने क्योंकि जो राज्य होता है दोस्त वो लोगों को दंड देने के लिए हिंसा करता है, यानी कि वायलेंस करता है, और गांधी दोस्त वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। भारत को आज़ाद करवाने के लिए दोस्त उन्होंने जो अहिंसा का जो रास्ता अपनाया, इससे भारत में ही नहीं अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी गांधी जी के दोस्त विचारों का बोलबाला बहुत तेज़ी से हुआ था। गांधी जी ने कहा जो स्टेट है वो लोगों की लिबर्टी में इंटरफेयर करता है, इसलिए लोगों की जो लिबर्टी है वो खतरे में आ जाती है, इसलिए स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए और लोग अपना शासन खुद करेंगे, अपने ऊपर खुद कंट्रोल रखेंगे, लोग सही और गलत में अंतर करना जानते हैं। सेकंड दोस्तों कहा इन्होंने कि आदर्श राज्य के अंदर यानी आइडियल सोसाइटी के अंदर स्वदेशी को हमें अपनाना चाहिए, तभी हम सच्चे स्वराज की स्थापना कर पाएंगे। यानी कि स्वदेशी मतलब हम अपनी, यानी कि कहते नहीं दोस्त कि मेड इन इंडिया का कंसेप्ट जो है हमारा आज भी, हमें अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को, हमें जो अपना देश का है, जो हमारे देश का है, हमें उसको प्रयोग करना चाहिए, हमें उसको यूज़ करना चाहिए, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए दोस्त। असहयोग आंदोलन के अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने इसी चीज़ को प्रमोट भी किया था। गांधी जी चाहते थे कि आदर्श राज्य के अंदर यानी कि आइडियल सोसाइटी के अंदर संसदीय सरकार को स्वीकार किया जाए, यानी कि ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे जहाँ पे जो कानून होगी वो देश की संसद बनाएगी, और संसद कानून तभी बना पाएगी जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, यानी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों का हो। एक तरीके से कह सकते हो आप कि संसद में जो लोग बैठे हुए हैं दोस्त, वो पंचायत का इलेक्शन तो डायरेक्ट होगा, गांधी दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि जो पंचायती व्यवस्था होगी उसमें जो पंचायत के मेंबर होंगे, जिसमें पंचायत यानी कि पाँच लोगों की सभा, पाँच लोगों की दोस्तों मेंबर, जहाँ पे जो गांव के लोगों की जो प्रॉब्लम है वो उसको सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से गांधी जी कहते थे यहाँ पे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत पंचायत के लोग चुनकर आएंगे और पंचायत के लोग ही संसद के मेंबर को चुनेंगे। तो इस तरह के दोस्त सच्ची जो लोकतंत्र है वो एक पंचायत व्यवस्था वाली हो जाएगी और एक आदर्श व्यवस्था हो जाएगी संसद, जहाँ पे ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो कि पंचायत के द्वारा चुने गए, यानी कि ये इनडायरेक्ट चुने जाएंगे और पंचायत के मेंबर डायरेक्ट चुने जाएंगे। इस तरीके से संसद के लोग मिलकर कानून बनाएंगे क्योंकि पंचायतों ने इन्होंने चुना है और पंचायत को तो जनता ने चुना है। इस तरीके से दोनों को जनता नहीं एक तरफ से चुना है, एक को डायरेक्ट और एक को इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से दोस्त गांधी जी चाहते थे एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का ही मिक्सअप सिस्टम हो, यानी कि मिक्स सिस्टम हो। एक यहाँ पे दोस्त एक और कहते थे कि गांधी जी कहते थे जो लोकतंत्र होगा उसमें लोगों की सक्रियता यानी कि नियमित भागीदारी होनी चाहिए, लोग एक्टिव हो और उनका रेगुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब भी दोस्त कोई काम करना हो, कोई नियम बनाना हो, कोई भी ऐसा लॉ मेकिंग सिस्टम हो रहा हो तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी एक देश के अंदर लोकतंत्र आएगी।
और दो सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि स्वराज की स्थापना तभी हो पाएगी, एक देश में स्वराज तभी आएगा जब एक देश के अंदर विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा। शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए कि एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर्स ना चले जाए, ऐसे डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही आ जाएगी। इसलिए दोस्तों इन्होंने विकेंद्रीकरण का सपोर्ट किया। आज दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम भारत के संविधान के अंदर रखा ही नहीं गया, तो उस पंचायत को डाल दिएगा DPSP के अंदर, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर। और ये सिद्धांत ये कहता है कि ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो इंप्लीमेंट करे या ना करे, क्योंकि DPSP का दोस्तों आर्टिकल जो है 40 वो ये कहता है कि राज्य अपने राज्य के अंदर पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकती है। और दोस्त कोई राज्य ऐसा करता नहीं था, क्योंकि जहाँ भी पंचायती राज होगी वहाँ पर जो स्टेट के पावर को लेकर पंचायत में दे दी जाएगी, तो कौन स्टेट चाहेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की पावर पंचायत को दे दी जाए, इसलिए कोई इंप्लीमेंट करता ही नहीं था। भारत में दोस्तों सबसे पहले 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जी के दोस्तों जन्मदिन पर 1959 को दोस्तों नेहरू जी के द्वारा भारत में सबसे पहले उद्घाटन किया गया था फर्स्ट पंचायती सिस्टम का, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बट फिर भी ये सभी स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं था दोस्त, ये कंपलसरी हुआ 1992 में, और दोस्त पूरे भारत के अंदर 1993 में बिल पास कर दिया गया, जिसको हम 73rd और 74th अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। 73rd के अकॉर्डिंग दोस्त पंचायती राज गाँव में होगी, और 74th को शहरों के अंदर नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी का सिस्टम कर दिया गया। इस तरीके से दोस्त गांधी जी का जो सपना था वो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और दोस्त भारत जब संविधान बना और इम्प्लीमेंट हुआ 1950 के अंदर, तो उस टाइम भी इसको कंपलसरी क्यों नहीं किया गया दोस्त? गांधी जी का सपना था उसको लगभग 1992 यानी कि दोस्त कह सकते हो कि लगभग 42-43 ईयर्स क्यों लग गए भाई? यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों पुटअप होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे देश की सरकार जो थी उसने यार ऐसा किया नहीं, और ये आगे चल के काफ़ी सारे बात देखो बलवंत राय मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति, कमिटीज काफ़ी सारे बनती, बट ये लंबा घिसता चला गया मुद्दा, और देन जाके दोस्त नरसिम्हा जी के राव की सरकार के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट गांधी जी चाहते थे, शक्तियों का विभाजन, तभी एक देश के अंदर क्या हो सकता है? स्वराज यानी कि असली जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट इनका कंसेप्ट था ग्राम गणराज्यों का संघ होना चाहिए, यानी कि जो गांव है उसी से मिलकर पूरा देश बना हुआ है। इसलिए दोस्तों इन्होंने यूनियन ऑफ रिपब्लिक की बात करी थी, यानी कि विलेज की बात करी थी दोस्त, इस तरह से गांव की बात करी थी। एक चीज़ दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, इनका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि धर्म में समानता चाहते थे ये, ठीक है दोस्त। यहाँ पे ये नॉन वायलेंस की बात करते थे, ये ब्रह्मचर्य जीवन की बात करते थे, ये निडरता की बात करते थे, ये अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने यानी कि जो यानी कि जो टचेबिलिटी है छुआछूत की दोस्तों बीमारी है, ठीक है, तो दोस्त ये चाहते थे अनटचेबिलिटी पूरी खत्म हो, छुआछूत पूरी खत्म होनी चाहिए, धर्म में समानता होनी चाहिए, ऊंच नीच का जो पाप है ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए दोस्त। इंसान अपनी आजीविका का काम करे और सही से जिंदगी जिए, इसमें दोस्त किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन्स के बेस पे, कास्ट के बेस पे और बर्थ प्लेस के बेस पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्त। पार्टिसिपेशन की बात गांधी ने दोस्त सबसे पहले करी। अब हम बात करते हैं आखिर गांधी जी ने ग्राम गणराज्यों का संघ ये जो कंसेप्ट दिया ये क्या है दोस्त, चलिए पहले हम ये समझते हैं। देखिए दोस्तों गांधी जी का जो कंसेप्ट था वो था राज्य विहीन और वर्ग विहीन, यानी कि राज्य भी नहीं होना चाहिए और जो सोसाइटी के अंदर कोई भी क्लास नहीं होनी चाहिए, यानी दोस्त कोई स्टेट नहीं होगा। स्टेट मतलब जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जहाँ दोस्त आपको पता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए यानी कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, लोग अपना शासन खुद ही कर लेंगे। जैसे कि दोस्त आपने अगर मेरी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की वीडियो देखी है जिसमें दोस्त मैंने वो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, कार्ल मार्क्स क्या कहता था कि एक स्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट क्या करता है, लोगों में अमीर और गरीब का खाई पैदा करता है और अमीरों का कब्जा होता है इसके ऊपर और लोगों में ये इंटरफेयर करके उनको लोगों की जो लिबर्टी है खतरे में डालता है। तो सेम दोस्तों यही बात गांधी जी ने भी कही है, और इन्होंने कहा है कि वर्ग विहीन होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए और कोई भी क्लास अमीर गरीब का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, लोग स्वयं शासित होंगे, वो अपना शासन खुद चलाएंगे, वो अपने ऊपर डिपेंड होंगे यानी कि आत्मनिर्भर होंगे, सेल्फ कंट्रोल और जो सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। इस तरीके दोस्तों गांधी जी ने ग्राम यानी कि एक ग्राम समुदाय में पूरे देश को बांटा, यानी कि अलग अलग ग्रामों के अंदर दोस्तों 5 लोगों का समूह होगा जो पंचायत को चलाएगी, और दोस्त इस तरीके से जो ग्रामवासी यानी जो गाँव के लोग हैं इन पंचायतों के यानी कि मेंबर को 5 लोग जो हैं यार ये 5 लोग चलाने वाले इनको इलेक्टेड कर गया यानी कि इनका चुनाव करके दोस्त। इसलिए इन्होंने गांव की समानता
पे जोर से जोड़ दिया और इन्होंने ये कहा कि अगर गांव संपन्न होंगे, अगर गांव दोस्तों विकास होगा गांव का, अगर गांव तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, अगर गांव तरक्की नहीं करेंगे तो दोस्त हमारा देश का भी तरक्की नहीं होगा और देश हमारा जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो दोस्त इन्होंने कहा कि एक ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए, ये दोस्तों पूरा कंसेप्ट यहाँ पर इन्होंने बताया, जहाँ पर स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी यहाँ पर होनी चाहिए दोस्त, जहाँ पर कोई आर्मी नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी, कोई दोस्तों बड़े बड़े नगर नहीं होंगे, कोई अदालत कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई दोस्तों जेल खाना का नहीं होगा दोस्त, ना ही कोई बड़े बड़े मतलब कि जो कहते हैं ना फैक्ट्री टाइप में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ये भी नहीं होगी। ये दोस्तों भारी उद्योगों का विरोध करते थे, ये कहते थे छोटे छोटे कुटीर उद्योग होने चाहिए। तो अभी जो चल रही थी दोस्त इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, बट जब इन्होंने बताया कि आइडियल सोसाइटी के अंदर अगर ये सारी चीज़ होती है तो वो कैसी होनी चाहिए, अब दोस्तों ये कंसेप्ट ये बताएंगे यहाँ पे। इससे पहले इन्होंने बताया कि भारत के अंदर विधायी कार्यकारी और जो न्यायिक शक्तियाँ होगी, उसके बाद दोस्त इन्होंने बताया कि बिल्कुल इक्वलिटी के साथ वो काम करेगी और किसी का कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसी को दोस्त गांधी जी ने वास्तविक स्वराज कहा है और भारत के अंदर दोस्त पंचायती राज का जो सिस्टम का कंसेप्ट है ये गांधी जी के द्वारा ही सबसे पहले आप कह सकते हो कि प्रमोट किया गया, गांव पंचायत यानी कि विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांधी जी के द्वारा दोस्तों ये कहा गया है। तो गांधी जी अगर कहते थे अगर देश में पंचायती राज सिस्टम है तो यही वास्तविक स्वराज होगा, पंचायती राज सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है तो देश हमारा दोस्त अभी भी गुलामी है, कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंस है ही नहीं और ना ही यहाँ पे स्वराज के का कंसेप्ट हुआ, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज सिस्टम के सपोर्टर इसी को कहा गया वास्तविक स्वराज गांधी जी के द्वारा। दोस्तों स्वराज के केंद्र में ही रखा गया गांधी जी ने, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो गांव की स्वायत्तता है वो बरकरार रहनी चाहिए, गांव के ऊपर कोई बाहरी अगर लोगों का दोस्तों कंट्रोल है, अब गांव की जो प्रॉब्लम्स है उसको कोई संसद में बैठा हुआ इंसान कैसे समझ लेगा, इसलिए जो गांव में रहने वाले इंसान हैं वो आपस में मिलकर ही गांव का शासन करेंगे, आपस में दोस्तों लोग मिलकर कुछ लोगों का इलेक्शन करेंगे और वही लोग आगे चल के पंचायत बनाएंगे, पंचायत यानी 5 लोगों की समूह, ग्रुप ऑफ 5 पीपल। दोस्त गांधी जी ने कहा 1920 से स्वाधीनता संग्राम का जो इन्होंने नेतृत्व संभाला दोस्त इसी कंसेप्ट को इन्होंने प्रमोट किया कि सेल्फ रूल होना चाहिए, और दोस्त ये सारी बातें इन्होंने जब 1909 में अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज, इसके अंदर इन्होंने बताया सारी इन्होंने अपने थॉट्स है यानी जो गांधी जी के विचार है वो इस बुक में ही मिलती है। अब दोस्त हम समझने वाले हैं गांधी जी का राजनीतिक स्वराज क्या था, अब दोस्त ये अलग अलग स्वराज के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकली जो इनका स्वराज था वो क्या था। देखिए दोस्त यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा ये सभी की कंसेप्ट एक आइडियल सोसाइटी बनाना चाहते हैं वो, जो भी दोस्तों कंसेप्ट अभी तक हम स्टार्टिंग से अभी तक देख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा चाहते हैं वो, एक ऐसा सोसाइटी होनी चाहिए स्टेटलेस क्लासलेस है ना दोस्त, कोई भी इंटरफेयर करने वाला कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये सब के सब एक आइडियल सोसाइटी के फीचर्स हैं, ये चाहते हैं ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर सारी बातें बता रहे हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है आदर्श समाज या आदर्श राज्य आप कह सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका सबसे पहला यानी कि जो हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं राजनीतिक स्वराज, जब भी दोस्तों जब क्वेश्चन आता है स्वराज के ऊपर तो पहला अभी तक जो हमने पढ़ा वो बताओगे, फिर इसके बाद इन्होंने अलग अलग स्वराज का कंसेप्ट दिया जैसे राजनीतिक स्वराज सामाजिक स्वराज, ठीक है तो इनका जो कंसेप्ट है ये बताओगे आप। सबसे पहला पॉइंट क्या है राजनीतिक स्वराज का, इन्होंने दोस्तों राज्य का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ स्टेट दिया है, राज्य का जो सिद्धांत है गांधी जी का, गांधी जी ने दोस्तों आइडियल सोसाइटी में ये कहा यानी कि जो एक आदर्श राज्य बनाएंगे गांधी जी, एक जो आदर्श समाज वो बनाना चाहते हैं उसके अंदर जो राज्य का सिद्धांत है उसमें फर्स्ट पॉइंट पे गांधी जी ने ये कहा कि राज्य विरोधी थे गांधी जी, गांधी जी ने कहा कि मैं राज्य का पूरा विरोध करता हूँ, स्टेट होना ही नहीं चाहिए, जिस तरह के दोस्त कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी के अंदर, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी दोस्तों मार्क्सवादी उसके अंदर इन्होंने कहा कि कोई राज्य नहीं होना चाहिए दोस्त, इस तरीके से इन्होंने ये एक तरफ के कैसे कह सकते हो कि अनार्किस्ट थे एक अराजकतावादियों की तरह, ठीक है जैसे जो अराजकतावादी बोलते हैं ना कि राज्य नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से इन्होंने भी अराजकतावादियों की तरह अनार्किस्ट की तरह स्टेट का विरोध किया है। इन्होंने दोस्त कहा है कि जो स्टेट है ये आवश्यक बुराई है, आवश्यक बुराई क्यों है तो स्टेट जो है उसकी नीड भी होती है प्लस वो एक बुरा भी है यानी कि वो ईविल भी है, क्यों भाई नीड उसकी इसलिए होती है क्योंकि वे लोगों को डिफेंस देता है दोस्तों, लोगों को कोई बाहरी कोई अटैक हो जाए तो उससे ये सुरक्षा देता है, ठीक है एंड लोगों को ये हेल्थ देखता है एंड दोस्तों लोगों की एजुकेशन देखता है, बस लोगों की दोस्तों सुरक्षा देखता है सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए राज्य की जरूरत है। बट इन्होंने कहा दोस्तों राज्य बुरा इसलिए है क्योंकि लोगों में दोस्तों डर पैदा करके क्या करता है लोगों के कामों में इंटरफेयर करता है।
दोस्तों इस तरीके से राज्य विकास के नाम पे अगर लोगों में डेवलपमेंट के नाम में दोस्तों लोगों में डर दिखाता है, हिंसा करता है, इसलिए राज्य को ख़त्म कर देना चाहिए दोस्तों। इसलिए गांधी जी ने कहा स्टेटलेस सोसाइटी बनानी है और राज्य में कोई गरीब अमीर ना हो, इसलिए जिन्होंने कहा क्लासलेस सोसाइटी, यानी कि कोई क्लास ना हो, कोई अमीर और गरीब का कोई क्लास, अमीर और गरीब कोई वर्ग ना हो। इस तरीके दोस्त इसी कंसेप्ट को, यानी कि जहाँ पर स्टेट नहीं होगा स्टेटलेस सोसाइटी होगी, इसी को गांधी जी का आइडियल सोसाइटी यानी कि आदर्श समाज कहा जाता है। इसमें दोस्तों गांधी जी ने राज्य विहीन लोकतंत्र की बात कही है। राज्य विहीन लोकतंत्र मतलब एक ऐसा डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग शासन खुद ही करेंगे, जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होगा, इसी को गांधी जी ने आदर्श राज्य का है, आइडियल स्टेट का है, और इसी राज्य को दोस्तों राम राज्य के नाम से जाना जाता है। और ये सारी बातें गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर लिखी है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्त, यहाँ पे कोई पॉइंट्स अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है दोस्त, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्त गांधी जी यहाँ पे कैपिटलिज्म यानी कि जो पूंजीवाद हैं और जो बिजनेसमैन बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उसका इन्होंने विरोध किया था दोस्तों। गांधी जी ने इन्होंने कहा था कि जो पूंजीपति है समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं और ये गरीबों को शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ये गरीबों का, इसलिए दोस्त गांधी जी ने टोटली विरोध किया था और दोस्त ये स्टेटलेस डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, सेकंड पॉइंट विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्त, सिंपल बात है, यहाँ पे इन्होंने पंचायती का यानी जो पंचायत राज सिस्टम इन्होंने इसका सपोर्ट किया था। इन्होंने ये कहा था कि पंच निर्णय यानी कि पांच लोगों का जो ग्रुप होगा जो कि जनता के द्वारा इलेक्टेड होंगे, लोग उसको वोट दे के चुनेंगे और गाँव के अंदर दोस्त इन्हीं का मिल कह सकते हो कि इन्हीं का शासन चलेगा। और इस तरह के दोस्त इन्होंने आदर्शवादी राज्य के अंदर पंचायती राज सिस्टम का इन्होंने सपोर्ट किया है दोस्त। और एक इन्होंने ये कहा कि जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं यार, है ना, छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनको कोर्ट में नहीं लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्त जो हमारा कंसेप्ट है न्याय का कंसेप्ट यानी कि जस्टिस का कंसेप्ट, इन्होंने कहा कि न्यायालय होने चाहिए बट जो ये पंच निर्णय है यानी कि जो ग्राम पंचायत होगी वो छोटे छोटे मामलों को यही सुलझा देगी, अगर बड़े मामला है कोई आपराधिक मामला है दोस्त, कोई मर्डर वाला का केस हो गया है तो ऐसे मामलों को हमें लेके जाना चाहिए कोर्ट में। इससे अगर हम छोटे छोटे मामले को कोर्ट में लेके जाते हैं तो धन और समय की दोस्तों बर्बादी होगी। अगर दोस्त कोई दीवानी मामला है ठीक है तो हमें पंच निर्णय यानी कि आपस में मिलकर ही पंचायत के अंदर उसको सॉल्व कर लेना चाहिए दोस्तों। गांव में अक्सर ऐसा ही होता था, पेड़ों के नीचे बैठ के लोग पंचायती बुलाया करते थे और उसको सॉल्व किया करते थे। इस तरीके से राज्य का सिद्धांत जिसमें स्टेट खत्म करने की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण जिसके अंदर ये पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, गाँव के अंदर पंचायत का सिस्टम इसकी बात करते हैं, एंड दोस्तों जस्टिस में यानी कि न्याय के अंदर एक ऐसा राज्य जहाँ पर लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। देखो समाज के अंदर जस्टिस हो क्योंकि सभी लोग सही नहीं हो सकते समाज में, कुछ लोग दोस्तों ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं, अनसोशलिस्ट लोग होते हैं जो समाज में हिंसा करते हैं, है ना, खून खराबा और लोगों को सताने का काम करते हैं। तो ऐसे झगड़ों के लिए और ऐसे अपराधों के लिए न्यायालय यानी कोर्ट होना चाहिए और ये कहते हैं आइडियल सोसाइटी के अंदर, बट ये नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होगी आइडियल सोसाइटी में। आइडियल सोसाइटी के अंदर जो कोर्ट होगी उसके अंदर सिर्फ आपराधिक मामलों को देखा जाएगा, बड़े बड़े दोस्तों जो खून खराब यानी खूंखार जो जघन्य अपराध होंगे सिर्फ उनको, बाकी छोटे मोटे झगड़े को धन बचाने के लिए आपस में खुद ही लोग पंचायती वगैरह के अंदर बैठाकर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये था इनका थर्ड यानी कि जस्टिस वाला कंसेप्ट। एंड जो फोर्थ इनका कंसेप्ट है दोस्तों पॉलिटिकल स्वराज के अंदर, वो कंसेप्ट क्या है, पुलिस और जेल। देखो इन्होंने सबसे पहले ये कहा था स्टार्टिंग में गांधी जी का दोस्तों, ये कहना था कि जो पुलिस है और जो जेल है आइडियल सोसाइटी के अंदर ये भी होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कुछ असामाजिक तत्व होंगे जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों को दोस्त सुधारने के लिए जेल और पुलिस का होना जरूरी है, बट ये नॉर्मल पुलिस और जेल से अलग होंगे क्योंकि अब ये आइडियल सोसाइटी का कंसेप्ट बता रहे हैं कि जो इनका सोसाइटी होगा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो समाज होगा उस सोसाइटी के अंदर जो पुलिस होगी वो सहायक होगी। आज की तरह पुलिस की तरह नहीं कि लोग पुलिस को देखते ही भाग जाते हैं, जो पुलिस को देखते हैं दो गालियाँ दे देते हैं, और आज की तरह दोस्तों पुलिस नहीं कि पुलिस लोगों को गरीबों को सताने का काम करेगी, तू तड़ाक से बात करेगी, अच्छे दोस्तों बात तक नहीं करती वो, है ना। तो लोग एक डर है लोगों के अंदर पुलिस को देखते ही, पुलिस की वर्दी से लोग डर जाते हैं, तो ये डर पैदा पुलिस ने कर रखा है ठीक है। लेकिन जो गांधी जी कहते हैं जो आइडियल सोसाइटी बनेगी एक ऐसा समाज की कल्पना करते हैं वो, जहाँ पर जो पुलिस होगी वो लोगों की हेल्प करेगी, है ना, पुलिस सहायक होगी, सेवा भाव से काम करेगी। दोस्त पुलिस की नौकरी करने का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होगा, सिर्फ सैलरी के लिए नौकरी नहीं करेगी पुलिस आइडियल सोसाइटी में, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को अपनी सर्विस देने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए पुलिस बनेगी जो कि अहिंसा के रास्ते पर चलेगी। दोस्त लोगों को एक मतलब कि डांटना तो दूर, है ना, वो थप्पड़ भी नहीं उठाएगी और ना ही कोई
हिंसा करेगी और हमेशा दोस्तों वो सहयोग के रास्ते पर चलेगी, ऐसे पुलिस की कल्पना करते हैं दोस्तों। ये सिर्फ कल्पना है, बट आज की जो पुलिस है वो दोस्त ठीक इसके अपोजिट है। कुछ पुलिस वालों को छोड़ दें हम, तो आज दोस्त पुलिस का जो व्यवहार है हमारी सोसाइटी के अंदर दोस्त पूरा मतलब कि, और एक इमेज है लोगों के अंदर पुलिस की, वो सिर्फ दोस्तों डर का बना हुआ है कि पुलिस ऐसे करती है वैसे करती है। दोस्त इसको सुधारने की जरूरत है हमारे देश के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, ये पांचवें पॉइंट के अंदर अपने आदर्श राज्य के अंदर ये बोलते हैं दोस्त, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे प्रतिनिधि को चुना जाए चुनाव के द्वारा, और इसके अंदर दोस्त कैसे होगा, एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए क्योंकि ये पंचायत को सिस्टम का सपोर्ट करते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर होंगे, यानी कि दोस्त जो गांव होगा, गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे सिर्फ इन्हीं का ही इलेक्शन होगा, बाकी तो जितने भी जिसको हम स्टेट कहते हैं, राज्य सरकार दोस्त केंद्र सरकार, ये सबको पंचायत कहते हैं गांधी जी। तो गांधी जी कहते हैं जो गांव के लेवल पे सरकार होगी जिसको गांव ग्राम पंचायत कहा जाता है, सिर्फ इसी का इलेक्शन होगा, बाकी जितने भी पंचायत हैं उनका इलेक्शन नहीं होगा। जैसे राज्य सरकार हो गई अगर दोस्त, ठीक है अगर दोस्तों स्टेट की गवर्नमेंट होती है तो ये कहते हैं, तो जितने भी पंचायत बच गए उनका इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राज्य शासन की जो बुनियादी इकाई है यानी कि जो ग्राम पंचायत है सिर्फ उन्हीं का इलेक्शन होगा, और उसके बाद जो इतने भी जैसे राज्य सरकार हो गई केंद्र सरकार हो गई इनका दोस्तों इलेक्शन नहीं होगा। इनको फिर कौन चुनेगा, इनको ग्राम पंचायत के मेंबर चुनेंगे क्योंकि ग्राम पंचायत के मेंबर को जनता ने चुना है। इस तरह के दोस्तों इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कंसेप्ट दिया इन्होंने, यानी कि प्रत्यक्ष दिया ग्राम पंचायत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपर यानी कि ऊपर के लेवल में। तो इस तरह के दोस्तों इन्होंने दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे दिया है। और दोस्तों जो मेनली जो कानून बनाएगी वो देश की संसद ही बनाएगी, ठीक है, संसद में बैठ के दोस्तों कानून बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये सारा कंसेप्ट जो है गांधी जी ने ये अपनी यंग इंडिया नामक दोस्तों कंसेप्ट में दिया था, जहाँ पे शासन का तरीका बताया था इन्होंने कि जो शासन है वो जनता खुद करेगी, और जो जनता होगी वो लगभग जो 18 प्लस जनता यानी कि जो एडल्ट लोग होंगे वही दोस्तों वोट डालेंगे और वही पंचायतों का चुनाव करेंगे। दोस्तों इस तरीके से गांधी जी का ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त 6 पॉइंट, बहुमत का शासन। देखो गांधी जी ने कहा था कि जो शासन होना चाहिए वो बहुमत यानी कि रूल ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, लोगों का शासन बहुमत पे होना चाहिए। बट दोस्तों गांधी जी ने यहाँ पे ये भी कह दिया कि जो अल्पमत में होंगे यानी कि जो माइनॉरिटी में होंगे उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मेजोरिटी की सुननी चाहिए है ना, उसी तरीके से हमें अल्पमत की भी सुननी चाहिए। दोस्त बहुमत का अत्याचार सोसाइटी पर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं जो लोग मेजोरिटी में वो अत्याचार करें, जैसे दोस्तों की श्रीलंका में हुआ था कि सिंगली लोगों ने तमिलों पे अत्याचार किया था, उसके वजह से काफ़ी सारे वहाँ पे तो दिक्कत आई थी। अपनी क्लास 12th वगैरह में पढ़ा हुआ ये कहानी, तमिल और सिंगली के बीच में संघर्ष हुआ था, फिर 1987 में ये समझौता हुआ, इसको शांत किया गया, तो लिट्टे वाली पूरी कहानी है ना। तो सिंगली मेजोरिटी में थे और तमिल यहाँ पे माइनॉरिटी में थे। तो इसी तरीके से गांधी जी चाहते थे कि ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे मेजोरिटी का अत्याचार अल्पसंख्यक यानी कि जो अल्पमत में है जो माइनॉरिटी में है उनके ऊपर ना हो, तो ऐसा आइडियल सोसाइटी वो बनाना चाहते थे। एंड जो 7 पॉइंट में करते हैं वो अधिकार और कर्तव्यों की बात यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात। ये बोलते हैं कि समाज के अंदर लोगों को इक्वलिटी का, लिबर्टी का यानी कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, जिससे लोगों पे कोई भेदभाव ना हो। तो दोस्त लोगों को ये अधिकार देने के फेवर में थे, बट ये कहते थे कि अधिकार से ज़्यादा लोगों का कर्तव्य का पालन करना उतना ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से उनके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, अगर दोस्त एक अंग काट दिया जाए इंसानों के हाथ पैर नाक मुंह, तो दोस्त तो इंसान का क्या एग्जिस्टेंस रह जाएगा। वैसे दोस्त अगर इंसान कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो अब हम कितने भी अधिकार दे दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए दोस्त ये कहते थे कि अधिकारों के साथ साथ इंसानों कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और कर्तव्य पालन का दोस्त अगर हम नहीं करते तो अधिकारों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। जैसे कि दोस्त हम अपने स्वतंत्रता दोस्त समानता का सम्मान करें, दूसरे धर्मों का सम्मान करें है ना, हम अपने देश की अखंडता एकता का सम्मान करें, इस तरीके से इन्होंने बात करी है। नेक्स्ट दोस्तों जो कंसेप्ट है इनका वो है सामाजिक स्वराज की। अभी हमने पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक स्वराज देखा, अब बात करेंगे हम सामाजिक स्वराज यानी कि सहयोग एवं सहनशीलता का आदर्श। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने बात करी है आइडियल ऑफ कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस की बात करी है। दोस्त ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं सब आइडियल सोसाइटी का कंसेप्ट ही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं दोस्त, ये धर्मनिरपेक्षता का समाज बनाना चाहते हैं, जहाँ पर राज्य का स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा और स्टेट सेकुलर तरीके से काम करेगी, पंथ निरपेक्ष होगी। बट अगर लगता है स्टेट को किसी धर्म के अंदर कोई ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो स्टेट वहाँ पर इंटरफियर कर सकती है। सेकंड पॉइंट में दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर थे, इन्होंने कहा जो चार वर्ण हैं यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका ये सपोर्ट करते थे। बट इन चारों के अंदर दोस्त जिसको जैसे कि शूद्रों को काफ़ी मतलब कि अत्याचार किया जाता था ये उसका विरोध करते थे।
चारों अगर वर्ण हैं तो वो अपने अपने जगह पे इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, आजीविका के द्वारा अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, और किसी तरह के दोस्त चारों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था ये, ठीक है। एंड दोस्तों इन्होंने महिलाओं के उत्थान की बात करी है और दलितों का विकास करने की बात करी है, तो जिस तरह के दलितों को जो छुआछूत जैसी है ना, अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, तो इन्होंने इन सभी के अगेंस्ट में बोला है, और जो दलितों के साथ दोस्तों जो भेदभाव होता है इन्होंने उसके खत्म करने की बात करी है दोस्तों। तो गांधी जी के अनुसार कहा जाता था कि धर्म आत्मा की वस्तु है, इसका संबंध व्यक्ति के अंतकरण से होता है, यानी कि इंसान के अंदर से होता है, ये आध्यात्मिकता की आवाज़ है, अंदर अंतरात्मा की आवाज़ है, इसलिए दोस्तों व्यक्ति को धार्मिक मामलों में पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए दोस्त, वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग समाज चलता है। तो चले तो इस तरीके से इसी कारण से दोस्तों गांधी जी को राम राज्य, यानी कि राम राज्य जो गांधी जी दोस्तों बनाना चाहते थे, राम राज्य कल्पना में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का गांधी जी ने समर्थन किया था दोस्तों। राम राज्य एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पे लोग रिलीजन में अपने पूरे इंडिपेंडेंट होंगे, उनको रिलीजन का राइट होगा, अपना सम्मान वो कर सकते हैं रिलीजन का जिस तरह के दोस्तों वो चाहते हैं, कोई इंटरफेयर स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, इसलिए समाज उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास आर्थिक स्वराज, तो पॉलिटिकल एंड सोशल, और अब पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक स्वराज क्या है। यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट है ट्रस्टीशिप व्यवस्था का, इन्होंने कंसेप्ट दिया था। ट्रस्टीशिप व्यवस्था का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, पहले हम यह समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आदर्श राज्य होगा उसमें सभी व्यक्ति को प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि जो निजी संपत्ति है वो रखने का अधिकार होगा। निजी संपत्ति के स्वामी अपनी जो संपत्ति है उसका प्रयोग दो दूसरे के शोषण करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि जो मान लो दोस्तों बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ना, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो वो संपत्ति के बल पर किसी इंसान जो गरीब लोग हैं उनका एक्सप्लोटेशन नहीं करेगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लोगों का एक्सप्लोटेशन नहीं करेंगे दोस्त, बल्कि वो न्यायसी के रूप की भूमिका निभाएंगे, यानी वो ट्रस्टीशिप के रूप में भूमिका निभाएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि एक अमीर इंसान जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पास रखेगा, बाकी सब दोस्तों समाज के धरोहर के लिए समाज में बांट देगा। इस तरह के दोस्त इन्होंने साम्यवादियों की तरह हिंसा की बात तो नहीं करी है, वायलेंस की बात नहीं की है, अमीर जैसे कि दोस्त कार्ल मार्क्स कहता है कि अमीर से छीन लेंगे फिर गरीब में बांट देंगे, लेकिन दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि अमीर लोग खुद ही अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने पास रखेंगे और लोगों में बांट देंगे दोस्त। यही एक आइडियल सोसाइटी का कंसेप्ट है, गांधी दोस्तों ऐसा चाहते हैं अपने समाज के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये कोई एग्जिस्टेंस करता तो नहीं है ऐसा कंसेप्ट कोई, बट गांधी जी चाह रहे हैं ऐसा कि मेरा समाज ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आदर्श राज्य में जो संपत्ति का स्वरूप जो होगा उस है ना, ये व्यक्तिगत कह सकते हो आप, बट वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होगा, वो समाज के लिए होगा, यानी समाज कल्याण के लिए होगा। दोस्तों गांधी जी का कहना था कि वर्तमान समय में आर्थिक विषमता का जो कारण है वो धनी वर्ग के द्वारा ही पैदा किया गया है, इसलिए दोस्त धनी वर्ग यानी कि जो अमीर लोग होंगे वो अपने जरूरत के जो हिसाब से दोस्त अपने पास वो रखेंगे और वो फालतू खर्च नहीं करेंगे, उसको वो गरीबों में बांट देंगे, जिससे दोस्त जो अमीर और गरीब में जो असमानता है, जो इनक्वालिटी है वो ख़त्म हो सके दोस्तों। ये कंसेप्ट गांधी जी ने दिया था, तो समाज के धरोहर के रूप में गांधी जी ने दोस्तों प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता दी थी। सेकंड पॉइंट क्या है, सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबका कल्याण होना, यानी कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय। गांधी जी दोस्तों कहते थे कि सबका यानी कि कल्याण होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सर्वोदय जो है एक संस्कृत भाषा के दो शब्दों से बना है, एक दोस्तों सर्व प्लस दूसरा दोस्तों क्या है, उदय, यानी कि सबका उदय, सबका कल्याण होना ही सर्वोदय कहलाता है। इस तरह दोस्तों उन्होंने जाति धर्म रंग रूप लिंग योग्यता किसी के भी आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए दोस्त। गांधी जी के जीवन का मुख्य जो लक्ष्य था वो था प्रेम सत्य अहिंसा पे आधारित एक ऐसा समाज होना चाहिए दोस्त, जहाँ पे कोई संघर्ष ना हो, कोई इनइक्वालिटी ना हो, लोग इक्वलिटी के साथ रह सके और सबका कल्याण हो दोस्त। और ऐसे में गांधी जी ने दोस्त जब अपने आंदोलन स्टार्ट किया था, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन, तो उस टाइम भी इन्होंने सर्वोदय कंसेप्ट आगे बढ़ाया था दोस्त। गांधी जी के मर जाने के यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद इनके जो विचार है दोस्त आगे चल के गांधी जी के जो शिष्य रहे, जैसे विनोबा भावे हो गए, आचार्य कृपलानी हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, दादा धर्माधिकारी हो गए, दोस्त काका कालेरकर हो गए, तो दोस्त ये ऐसे लोग थे जिन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक जो सिद्धांत थे उसको आगे चल के दोस्त भारत में आंदोलन में शामिल किया और आगे बढ़ाया दोस्त इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नैतिक स्वराज। देखो राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, और अब पढ़ेंगे हम नैतिक स्वराज यानी कि मॉरल स्वराज क्या था। देखो सबसे पहली बात तो गांधी जी का जो सिद्धांत था, एक आदर्श राज्य वही होगा जहाँ पे कोई हिंसा नहीं होगी और सोसाइटी नॉन वायलेंट होगा, यानी कि अहिंसात्मक समाज होना चाहिए हमारा,
जहाँ पे सत्ता का प्रयोग दोस्त लोगों को सताने के लिए नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, है ना। जो प्रयोग है यानी कि जो मेनली जो अथॉरिटी है वो लोगों में दोस्त लोगों को डरा कर आतंक नहीं फैलाएगी बल्कि दोस्त लोगों के लिए कल्याण के काम करेगी, है ना। कल्याणकारी लोगों के विकास के लिए काम किया जाएगा दोस्त, उसी को कहा जाता है नॉन वायलेंट सोसाइटी यानी कि अहिंसात्मक समाज। ये चाहते हैं गांधी जी अपने आदर्श राज्य में ऐसा होना चाहिए। एंड और क्या चाहते हैं वो आदर्श राज्य के अंदर, राजनीति का अध्यात्मीकरण होना चाहिए। इस तरीके दोस्तों गांधी जी ने क्या किया, देखो गांधी जी एक पॉलिटिकल लीडर बनने से पहले यानी कि आंदोलन में आने से पहले वो एक गांधीवादी थे यानी कि वो धार्मिक थे, वो एक काफ़ी दोस्तों रिलीजियस थे जो कि दोस्त धर्म में काफ़ी विश्वास रखते थे और उनके अंदर दोस्तों धार्मिकता का काफ़ी कूट कूट के भरा हुआ था, है ना, अटूट रिश्ता था दोस्तों उनका धर्म से। तो गांधी जी ने ये कहा था कि हम अगर दोस्त हम शांति की कल्पना करते हैं, अगर हम नॉन वायलेंस की कल्पना करते हैं तो हमें राजनीति को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए। अगर दोस्त हम पॉलिटिक्स और रिलीजन को आपस में जोड़ के करते हैं काम तो दोस्त लोगों की भलाई के लिए काम होगा, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता, कोई मजहब ये नहीं सिखाता लोगों के साथ मारकाट करो, जो हमेशा वो लोगों के कल्याण और शांति और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है सभी धर्मों के अंदर। तो इस तरीके से गांधी जी कहते हैं कि अगर हम राजनीति और धर्म को जोड़ते हैं आपस में तो ये पुण्य का काम है, अगर कोई समाज दोस्तों राजनीति को धर्म से अलग करता है तो ये पाप होगा। दोस्त ये गांधी जी के अपने पर्सनल विचार हैं एक आइडियल सोसाइटी के अंदर, बट दोस्त गांधी जी के द्वारा जो विचार दिया गया आगे चले इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि जो जो रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, दोस्त रिलीजन एक पर्सनल मामला हो गया अपना, इसलिए गांधी जी ने जो इसके विचार दोस्त आगे चल के इसको हटाया गया। दोस्त अब निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि गांधी जो दुनिया के अंदर विश्व शांति के धरोहर जो कि ग्लोबल पीसनेस की इन्होंने बात करी, ह्यूमैनिटी की इन्होंने बात करी, सर्वोदय यानी कि इनको जो कंसेप्ट था सभी का विकास, और दोस्तों अहिंसा की बात करी, ये दुनिया भर के अंदर सभी देशों के अंदर दोस्त मनाया जाता है और इसको प्रमोट किया जाता है। अफ्रीकन कंट्री हो गए दोस्त एंड अमेरिका हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, है ना दोस्त, यानी कि जर्मनी हो गया, स्पेन, पुर्तगाल हो गया, सभी जगह, इटली जगह से देख लो आप, सभी जगह दोस्तों गांधी की प्रतिमा लगाई जाती है और उनको आज भी दोस्त एक महान दोस्तों या कि महान इंसान के रूप में या महानायक के रूप में देखा जाता है। दोस्त जो गांधी जी के विचार थे उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक आदर्श है, एक आइडियल है दोस्त, जो कि पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है। दोस्त आज जो गांधी जी ने कहा था कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए कार्ल मार्क्स की तरह, जो कि दोस्त टोटली इम्पॉसिबल है, हम स्टेट को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, और जो सोसाइटी में जो क्लास है ये भी ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ लोग अपनी मेहनत और दम के भरोसे दोस्तों आगे बढ़े हुए हैं, और ऐसा नहीं दोस्त कि सभी लोग गलती है, एंड एक्सप्लोटेशन होता है दोस्त, ये बात सच्चाई है, बट गांधी जी दोस्त ये चाहते हैं जो क्लासलेस सोसाइटी बन जाए, बट ये इम्पॉसिबल है। कैसे लोग हम पूरे अमीरों की संपत्ति को छीन ले और बांट दिया जाए, ये कार्ल मार्क्स कहता है, बट दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि अमीर खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पास रखें और गरीबों में बांट देंगे। तो ज़रा खुद सोच के देखो यार, जिस तरीके से आज इंसान दोस्तों खून चूसने में लगा पड़ा है, आज दोस्त अपने आप को जो सफलता देखना चाहता है दूसरों को दोस्तों वो असफल यानी कि फेल होता हुआ देखना चाहता है, तो जल्द से जल्द वो गिरे। इसमें दोस्तों हम दूसरों की छोड़ो हमारा परिवार ही सबसे आगे होता है, हमारे दोस्तों खानदान के लोग ही चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ रहा है यार। तो इस तरीके से गांधी जी के इस विचार के अकॉर्डिंग उनकी आलोचना की जाती है, है ना। एंड दोस्तों जो कि धरातल पर प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। एंड में दोस्तों ये कहा जा सकता है जो गांधी जी की जो रिलेवेंस है, जो प्रासंगिकता है गांधी जी के विचारों की, वो पहले भी उतना ही था जितना आज है। यानी दोस्तों गांधी जी की जो आपको प्रासंगिकता, ये भी आपको आंसर में लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों गांधी ने हमेशा विश्व शांति की बात करी है, मानवता, ह्यूमैनिटी की बात करी है, सर्वोदय की बात करी है, अहिंसा की बात करी है, जो कि दोस्त आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले हुआ करता था। दोस्त आज दोस्त जिस तरीके से देश एक दूसरे देश से आगे निकलने की कोशिश होड़ से लगी पड़ी है, दोस्त डिसआर्मामेंट की इन्होंने प्रमोट किया था, यानी कि हथियारों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बड़े बड़े दोस्तों इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें छोटे छोटे इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने ये कहा। और छोटे छोटे इंडस्ट्री को दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए, कुटीर उद्योग हो गए, हमें इनको फिर फोकस करना चाहिए, क्योंकि देश की GDP में, देश की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्त इस तरीके से इन्होंने विश्व शांति का पाठ पढ़ाया दुनिया भर के देशों के साथ। इस तरीके से गांधी की रिलेवेंस है वो आज भी खत्म नहीं हुई है, आज भी दोस्त इनका इतना ही इंपॉर्टेंस है, इतना ही महत्व है जितना पहले हुआ करता। दोस्त इस तरीके से कहा जा सकता है, ये टॉपिक के जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे कि गांधी जी का स्वराज पे क्या मत है, यानी कि स्वराज के ऊपर गांधी के विचार की विवेचना कीजिए, क्या आज भी ये प्रासंगिक है। तो दोस्त लास्ट में जो मैंने पॉइंट बताया आपको, ये सब आपको बताना होगा इन सभी पॉइंट्स के रेफरेंस में। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता पे गांधी जी का विचार, पूर्ण स्वराज पे दोस्तों गांधी जी के विचार, एंड स्वराज को परिभाषित कीजिए, स्वराज के विभिन्न आयामों को दोस्तों बताइए। आयाम मतलब वही राजनीतिक, सामाजिक, एंड दोस्तों उन्होंने बताया आर्थिक एंड नैतिक, जो उन्होंने बताया है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल, तो ये चारों आपको बताना होगा। ग्राम स्वराज के बारे में दोस्तों,
है ना, ग्राम पंचायत और डिसेंट्रलाइजेशन के इनका जो कंसेप्ट है वो पूरा बताना होगा। गांधी जी के दोस्तों स्वराज की अवधारणा की आलोचना करना है ये दोस्तों, इसको आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी दोस्तों ये जो स्लाइड्स आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये स्लाइड्स दे दी गई है। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आ गई है। बाकी दोस्त कोई भी आपको डाउट रहता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नोट्स और स्लाइड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए दोस्त डाउनलोड कर लीजिए। कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर दोस्तों नए हो तो प्लीज़ ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दोस्तों ये जो बेल आइकन का बटन इसको प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि ऐसे और वीडियोज़ आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।